everyone, welcome back. Kaise hain ye sab? We are very excited to react on this episode because today we are going to react on one of best Jackie Shroff with Kapil Sharma show. तो कपिल पाजी के साथ जैकी श्रॉफ जैकी श्रॉफ की कोई एक मूवी का नाम बताओ. कभी याद किया, उनका ये सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था. मेहरबानी है इसके लिए. वो कुत्ते वाली फिल्म बहुत देखी. इनके इनके जो रियल लाइफ में भी डायलॉग होते ना, ए बिड़ू कैसा है बिड़ू, जो ठीक है. और इनको दरख्त लगाने का बहुत शौक है. अच्छा. और जैकी श्रॉफ का और एक और 11 के अंदर भी है. एक और 11 में नहीं है भाई. संजय दत्त. संजय दत्त. संजय दत्त होता है यार जिसमें वो वो कंफ्यूजन असल में ना अमिताभ बच्चन और ये जो संजय दत्त हो गया ना, तो उसके साथ गोविंदे के साथ और भी काम किया हुआ है. इन लोगों ने बहुत काम किया वैसे. अमिताभ बच्चन की और संजय दत्त की जो जोड़ी जो आती थी ना गोविंदे के साथ, बड़ी अच्छी मूवीज आती थी इनकी. चले बाकी अभी जैकी श्रॉफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी कि क्या करते हैं शुगर लगाते हैं. जैकी श्रॉफ की मेन फिल्म तो भूल ही गए. कौन सी? खलनायक. संजय दत्त के साथ क्या रोल था इनका. और बड़ी अच्छी मूवी थी. ओ, वो अच्छा खलनायक जब आती है ना तो जैकी श्रॉफ ज़ेन में आता नहीं है. संजय दत्त ही आता है. संजय दत्त ही आता है. पर रोल पुलिस वाला था ना इसमें. अर्चना जी, आज जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, ये एक बड़े ही कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्में की हैं और ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर्स में से एक है. और इनके स्टाइल को, इनकी हैंडसमनेस को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी एंट्री भी वैसे प्लान की है. अच्छा. हाँ, मतलब वैसे ओपन जीप में 10-12 फिरंगी लड़कियों के साथ. तो प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट चहेते जैकी दादा. ओहो एक बार जग्गू दादा के लिए. अंशु विजन, थैंक यू. वैसे आपने आपका ही नंबर दिया या किसी असिस्टेंट का? नहीं, बिड़ू मेरा ही नंबर है, मगर जिम में फोन मत करना. इसलिए नहीं कि मैं मतलब रात को मैं घर पे रहता हूँ औरत के साथ, दिन में काम करता हूँ. थैंक यू वेरी मच यार, लिफ्ट दी तूने. थैंक यू. बाय बाय. जैकी सर के लिए जोरदार तालियां. दादा ये हमेशा ऐसी बातें करती है, आज तो आप आए हो ना, आपकी पीठ पीछे बड़ी बातें करती है. अच्छा, पर सुना है कि इनके पास कुछ आपका वीडियो भी है जहाँ पर आप कहीं कुछ प्यार का इजहार करेंगे. वीडियो में पूरी आई नहीं, कैसे होगा इनके पास? ऐसे कहता नहीं होगा इनके पास. दिखाओ कहाँ दिखाओ 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 जरा. जग्गू जी की याद आ गई मेरे को. हाँ? मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता. यार वो क्या दिन थे, वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी. जानती भी है जैकी दादा को ऐसे? मैं जानती, मैंने कितनी गेमें खेली. अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाकर धप्पा मुझे ही करते थे. कहते धप्पा, मैं फिर अग्गे से जप्पा. ताके झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा को. अच्छा, मार रही किसने का? मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही तुम. एक मिनट, पुआ झूठ बोलती है, पुआ अभी तुमको सच दिखाती है. ये क्या है? फ्लैशबैक. अभी दिखाती हूँ फ्लैशबैक. दादा ये देखा आपने, ये बोलती मैंने बड़ा रोमांस किया है. मैं चाहता हूँ कि आप ये जो प्यार का इजहार एक पोस्टर के साथ कर रही है, मैं खड़ा हूँ आपके सामने. हाँ बताओ बुआ. वो जग्गू जी पता क्या, जब ऐसे प्यार का इजहार या गाना वाना होता है ना, तो हाँ. पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ऐसे लटक लटक के करते हैं. इधर कुछ है ही नहीं तो फिर निकलेगा नहीं मेरा अंदर से. अच्छा. अरे वो कृष्णा जो है सुना, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छा करता, बड़ी 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 करता दादा. हाँ, और मेरी एक्टिंग जो कर रहा है मेरे से भारी करता, मेरे को मालूम था कि ऐसा है मैं.
तो मैं कृष्णा को जरा बुलाना चाहता हूँ। कृष्णा बाबा मेरा बच्चा और सबको बच्चा बनाएगा तो एक दिन जूते खाएगा भाई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ जा, मेरा बच्चा कृष्णा बराबर आया 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 आया। वाह वाह वाह, क्या शराफत अली दिख रहे हैं आप, क्या बात। इतना शरीफा, इतना ऐसे प्यार से चल गया, इतना मासूम चल गया, तो मेरे से मेरी तरह चल के तो आता जरा जग्गू को बना तो सही। नहीं दादा, सब इसकी वजह से ये मेरी जान, दादा ये करवाता है सब, मैं बता रहा हूँ। अरे हाँ, मेरे को बैठ के देखने का प्लीज कर, मेरे को नजदीक से देखने का बहुत अच्छा लगता है दादा, सीरियसली अच्छा लगता है। बड़ो लोग बच्चा है, बड़ो लोग पेड़ लगाने का, बड़े लोग आप लोग, लव यू अर्चो, लव यू, लव यू, 5 रुपए का 500 रुपया दिया अर्चो, लव यू। गाइस मजा आ गया, बड़ो कृष्णा बहुत कुछ बनता है कृष्णा, पेड़ भी बनता है ये भाई, एक मसला सॉल्व कर दे भाई, पेड़ भी बन जा तू सबकी, एक्टिंग मेरा, एक्टिंग मेरे से बारी करता, झाड़ तो बन जा आपके लिए दादा, मैं तेरी मेहरबानी का डॉगी बनने को तैयार हूँ। झाड़ बन जा, झाड़ बन जा मेरी, मैं बन जाऊंगा दादा आपके लिए। बनना बनना बनना, झाड़ बन, गाना भी पड़ेगा कोई अच्छा। अरे हक, अरे सही बात, सही है, सही है, ये भी पकड़ ले एडम और ईव, एक इसको एक हाथ में रख, कहां से पकड़ू। अरे माँ के यार दादा, इसमें मैं झाड़ कम मोर ज्यादा लग रहा हूँ। दादा हाँ बड़ू, ये पेड़ तो ठीक है लेकिन ये भेड़ के साथ कैसे रोमांस। नहीं 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 बोला, अब मैं पेड़ को क्या बोलूं। वो हार्ड बने। एक किस्सा याद आ गया दादा, आपने कहीं सुनाया था कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी कोई, तो आपने जब उनको अपने घर इनवाइट किया तो आपने मम्मी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, वो क्या किस्सा था दादा कुछ सुनाना। बड़े स्कूल में था, छोटा था। अच्छा, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स में कोई बड़े घर की लड़की थी जो मुझे चाहती थी, मैं चाहता था। अच्छा, तो मैंने ये कभी कहा नहीं था, मैंने कहा था कि मैं 3 बत्ती पे रहता हूँ, वालकेश्वर पे रहता हूँ, तो उनको लगा होगा मैं बड़ेगा। तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं घर आना चाहती हूँ मम्मी। अच्छा। से मिलने, तो मैं डर गया, तो मैंने माँ को जल्दी जाके बोला, माँ ऐसा ऐसा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ अकेला, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता हूँ। अच्छा। तो तू चले जा नीचे बैठ अपने दोस्त के साथ। मम्मी बोला हाँ, मगर मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी, नीचे नहीं बैठने वाली। मैं ठीक है माँ। तो आया, वो थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आने के टाइम पे पूरा उसको सेटिंग बेटिंग घर का कर दिया, ऐसा लगा कि कोई बैचलर का घर है, और बोला ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहता हूँ, मम्मी डैडी के साथ नहीं रहता। मम्मी आधा घंटा हो गया तो आ गया, जगू क्या, मम्मी का आवाज। भागा जल्दी जल्दी, मम्मी बोला, मम्मी मैं अभी भेजता हूँ, मम्मी भेजता, करते करते उसको कर दिया। मगर फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ दिन के बाद में, घर का साइज थोड़ी होता है लव के लिए, तो मैंने बोला जाने दे, घर का साइज नहीं। अच्छा लगा, बिल्कुल दादा अच्छा लगा। मगर वो स्कूल की बात स्कूल में रहेगी और दिल की बात दिल में रहेगी, बहुत प्यारी थी। गॉड ब्लेस। फ्यूचर में ये जैकी श्रॉफ होगा और होता है ना सब टाइम आपके जैक। और देखिए ना, अच्छी बात थी कि आप देखिए कि जिसने आपसे प्यार करना है ना, उसने आपको देखना है, उसने ये नहीं देखना आप कौन हो, किधर रह रहे हो, कैसा घर है, कैसा बाहर है। अगर वो ये सब चीजें देखकर कर रही है तो इट मीन्स वो आपसे तो नहीं कर रही ना फिर प्यार। तो ये चीजें होती है। बाकी
अच्छा दादा, जैकी श्रॉफ को भी दादा बोलते हैं, लेकिन मुझे ये था कि ना फिल्म इंडस्ट्री में अगर दादा बोला जाता तो मिथुन दा को बोला जाता है, मिथुन चक्रवर्ती, उसको दादा, क्योंकि मैंने देख रखा है कि सभी दादा बोलते थे मिथुन दा, उसको मिथुन दा भी बोलते हैं, मिथुन दा ज्यादा जिनकी एज थोड़ी होती है अपने सीनियर को, सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन होता है। बाकी ये है कि बहुत बढ़िया मूवीज जैकी श्रॉफ की जो है वो आई है। अच्छा हम थोड़ा सा वैसे सर्च करें, हमने तो बहुत अरसा हो गया जैकी श्रॉफ, मुझे तो याद ही नहीं मैंने कब की जैकी श्रॉफ की कोई मूवी देखी हुई है। वैसे एक पंजाबी मूवी मैंने देखी थी, उसमें इन्होंने रोल किया था, लास्ट में आए थे, लक्की दी अनलक्की स्टोरी शायद, उसके आखिर में वो होती है ना लड़की की होती है। अच्छा आप जरा चेक करें, मद्रासी फिल्मों में भी आई है। तो गाइस हम चेक करने लगे हैं कि कौन कौन सी मूवीज है, तो स्क्रीन के ऊपर आ गई है जी, ओए होए होए होए, हीरो गर्दिश। अच्छा ये तो बहुत हलचल, यानी सब में कारतूस किसान। अच्छा मोर पे करते हैं, मोर देखते हैं, ये तो बहुत पहले की है ना। बंधन, बंधन भी बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें भी इनका रोल बहुत अच्छा था। अच्छा जैकी श्रॉफ ने बंधन में भी तो हाँ किया ही है रोल, वो उसका होता है जीजू होता है सलमान खान का। बाकी ये सारी 200 प्लस मूवीज की है, 200 ये सभी उन्हीं की हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी मूवी है। अच्छा इनमें से तकरीबन मूवीज हमने ना देख, नाम से अब आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन देख रखी होंगी बहुत सारी। बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर में भी थे, हाँ बॉर्डर में भी थे, आर्या पास, अच्छा उसमें भी हैं ये, वो जो वो गाना 1942 में ये इलू इलू क्या है, ये इलू 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 का मतलब, उसमें भी है, है? लेकिन मूवी देखी नहीं, ज्यादा फेवरेट मूवी थी वो, क्या था उसका नाम, अनिल कपूर के साथ, कौन सी, लखन, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन, हां हां ओए होए, वो क्या नाम था मूवी का, 1-2 का 4, 1-2 का 4, माय नेम इज लखन, वो बड़ी अच्छी मूवी थी, खुद पुलिस वाला होता है बाद में भाई बनता है, पर अनिल कपूर थोड़ा जरा रिश्वत वगैरह लेने लगता है, हां 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 फिर उसे गुस्सा आता उस पे। सही है, देखी हुई है वो भी, वो जबरदस्त थी मूवी ना, मूवीज इनकी भी काफी जबरदस्त होती है। ये कौन सी है, काला बाजार, काला बाजार अनिल कपूर की है, 1989 की है, काफी पुरानी मूवी है, हमारी बर्थ से पहले की है। अच्छा इनकी ज्यादा फिल्में अनिल कपूर के साथ ही आई। अच्छा ये परिंदा मूवी भी अच्छी थी इसकी, ये मैंने देखी हुई है परिंदा मूवी भी, परिंदा। अच्छा मूवीज बहुत अच्छी थी इनकी। अच्छा आप देख लेंगे ये जो मूवीज हमारे सामने आ रही है, ये वो फैमिली मूवीज होती थी कि जब जितनी दफा हम इसको मर्जी देखते रहे मतलब बोर नहीं होता था ना, अच्छी मूवीज अपने टाइम की। तो चलें जी, हमने थोड़ी सी नजर भी डाल ली है कुछ मूवीज के ऊपर, उनके पोस्टर्स के ऊपर, जो कि जैकी श्रॉफ ने मान बख्शा उन मूवीज को, उनमें काम किया, अपना रोल अदा किया, और बहुत ही सीनियर, बहुत ही बढ़िया एक्टर। बाकी आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।